वाले होते हैं वो लोग जिनके पास बेटी होती है, तो आज के दिन कन्या पूजन के दिन मुझे कन्या नहीं ढूंढने जानी पड़ती है और मेरी एक बेटी में ही सातों देवी हैं, तो मैंने उसी को ही भोग लगाया सबसे पहले। और मैंने भोग में हलवा पूड़ी बनाई थी, हमारे यहाँ माता जी को ऐसे भोग लगाते हैं हलवा पूड़ी का, और मैंने अभी को भी प्रसाद में हलवा पूड़ी दे दी थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉट्स वॉल। कैसे आप सब, और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मैंने पूजा कर ली है मॉर्निंग में और हैप्पी रामनवमी, आज रामनवमी है। तो ये देखिए, आज सुबह मॉर्निंग में मैंने पूजा करी थी, तो ये था आज का मेरा आउटफिट। ये देखिए, सुबह सुबह पूजा करने के बाद आज मेरा ब्लॉग चले जाना था, आज ब्लॉग जाना था, बट आज किसी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं जा पाया है, बिकॉज़ कल से नाशा के स्कूल ओपन हो रहे हैं, उसकी बहुत सारी तैयारियां करनी थी। प्रॉपर स्कूल ओपन हो रहे हैं, मतलब अभी तक स्कूल ओपन होते थे तो बच्चे कैसे भी, मतलब हम लोग से पेपर कराने के लिए, पेपर देने के लिए जा रही थी नायशा अभी तक, और दो साल ढाई साल बाद अब प्रॉपर वो स्कूल जा रही है। तो यू नो दैट, सभी पेरेंट्स जानते होंगे कि उसका मतलब सारा ड्रेस, शूज, सॉक्स, क्या पहनकर, मतलब इनर वेयर सब कुछ लाने में मैं इतना बिज़ी हो गई थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं व्लॉग शूट कर पाऊँ कोई भी। और मार्केट में इतनी भीड़ हो रही है, इतना ज़्यादा रश है कि बिल्कुल भी मन नहीं करता, धूप में तो जाने के लिए बस जलता लगता है। जलेशा का प्रॉपर स्कूल हो जाएगा, और आज पूजा भी थी, सुबह मॉर्निंग में पूजा करनी थी, तो रामनवमी में भगवान माता जी को मैंने हलवा पूरी ये सब चढ़ाया था। नायशा की एक लकन्या तो मेरे बेडशीट्स कितनी पसंद है, तो ये बेडशीट मैंने मीशो से मंगाई थी और बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। इस पे क्या बोलते हैं, साइड्स में लास्टिक है, तो सिर्फ मैं लास्टिक को मैट्रेस के अंदर डाल देती हूँ और ये बहुत ईजली बिछ जाती है बेड पे। तो बहुत प्यारा कलर है, ये देखिए। और कुछ चीज़ें मैंने आपसे बताया कि आप सर्च करके जब मंगाओगे तो मीशो से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी आ जाती हैं। और मैंने बहुत सारी बेडशीट, बहुत सारी तो नहीं, दो चार बेडशीट्स मंगाई हैं मीशो से, मैं दिखाऊंगी आपको कभी टाइम मिलेगा। फ़िलहाल तो ये मैंने अभी मंगवाई थी, तो ये मैंने देखिए बिछा दी है इस पर। ये तो मुझे किचन टूर करना है, तो जो भी किचन के प्रोडक्ट एक्चुअली जो मैंने मंगवाए हैं वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है, जब वो रिसीव हो जाए तो मैं आपको प्रॉपर अपना किचन टूर दिखाऊं। और अगर आपको मेरे बेडरूम का टूर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, तो मैं आपको अपने रूम का पूरा प्रॉपर एक टूर बना के बता दूंगी, मतलब प्रॉपर टूर दिखाऊंगी बेडरूम का। और ये मैंने खुद से कैसे इंटीरियर करवाया है, क्या करवाया है, तो अगर आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए कैसे मैंने, मतलब खुद ये मैंने अपना रूम खुद ही इंटीरियर करवाया है, तो अगर आपको मेरे रूम का टूर चाहिए तो पहले आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जब मैं देखूंगी कि हाँ आपको सच में देखना है और आपने मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, एक भी सब्सक्राइबर अगर बढ़ा है, एक भी सब्सक्राइबर ने मुझे सब्सक्राइब किया है, तो मैं डेफिनेटली अपने रूम का टूर करवाऊंगी। और ये देखिए, नाशा सुबह सुबह रेडी हो गई हैं, कहाँ जाने के लिए, कन्या खाने के लिए, नहा धोकर 8 बजे रेडी हो गई हैं, वैसे 8 बजे तक सोती है। जल्दी 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 फास्ट करो, बुलाने आ चुके हैं वो। ठीक है, जल्दी से क्रीम लगाओ दोनों हाथ में, जल्दी लगाओ। लगाओ जल्दी, हैंड में लगा लो भाई, अच्छे से लगाओ।
और ये पास में ही कीर्तन का बुलावा था तो मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ चली गई थी। वहाँ कीर्तन मंडली आई हुई थी तो बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर आकर। मम्मी भी थी साथ में। अभी आके मैं बैठी हूँ नाशा की बुक्स लेके। बुक्स दिखाइए। और ये आ गई हैं बुक्स। फाइनली 2 साल बाद अब बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। बुक स्टॉल और जो इसकी ड्रेस की शॉप थी वो बता रही थी मैं कि हमारे यहाँ 2 साल बाद अब बच्चों के ड्रेसेस का शॉप ओपन करी है उनका, जहाँ से इसकी ड्रेस ले रुपये ही है उनका। मुझे कल बता रही थी कि कल 2 साल बाद उन्होंने अपनी शॉप खोली है तो ये शॉप पर रौनक थी अच्छी सी और बच्चे भी एक्साइटेड हैं। ये देखिए बुक्स पा के नई नई बुक्स। क्यों ना शो मज़ा आएगी स्कूल जाके। स्कूल जाके मज़ा आएगी। तो फाइनली अब नायशा का सारा सामान आ गया है। बुक्स आ गई हैं, शूज़ भी मैं ले आई हूँ, सारा सामान। अब ये मंडे से स्कूल जाएंगी। और देखिए बहुत गर्मी है, वहाँ से आके मैंने तुरंत मेरे लिए लस्सी बनाई है। इतनी ज़्यादा धूप है बाहर, बहुत ज़्यादा धूप है। सोचिए हम लोग कार से गए थे तो इतनी गर्मी लगी है। बेचारे आज जो जिनके पास मतलब 4-व्हीलर नहीं है, जो बाइक से जा रहे हैं, जो क्या हाल हो रहा होगा उनका। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी तेज़ धूप है कि गाड़ी के अंदर एसी काम ही नहीं कर रहा था क्योंकि अभी बजा हुआ है एक, दोपहर का 1 बजा हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में अपने आप को सेफ रखिए, घर के अंदर रहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलिए दोपहर में, शाम को निकलिए। मेरी शॉप में भी बिल्कुल सन्नाटा है, कोई नहीं आ रहा है इतनी धूप की वजह से। तो बस जिनके पास 4-व्हीलर है, जो गाड़ी से आ सकते हैं, बस वही आ रहे हैं शॉप पे भी। और वैसे तो कोई भी नहीं आ रहा है जैसे नॉर्मल डेज में लोग आते थे उस हिसाब से। A few moments later. और शाम को मैं यहाँ के फेमस मंदिर बारा देवी मंदिर में, 7 दिन तो मैं आ नहीं पाई थी तो लास्ट के दिन मैंने सोचा चलो इतना दूर से यहाँ लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ, जवारे रखते हैं जो लोग सांग लेते हैं, बहुत दूर दूर से इस मंदिर में लोग आते हैं और हम लोग पास में रह के भी नहीं आ पाते हैं। और ये यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है, बहुत लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है तभी इतने लोग आते हैं। बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर और काफ़ी बच्चों के, छोटे बच्चों के मुंडन वगैरह यहाँ सब होता है तो बहुत दूर से लोग आते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। माता जिनकी मनोकामना पूरी करते हैं वो लोग आते हैं यहाँ पर, प्रसाद चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं। तो बहुत माना हुआ मंदिर है यहाँ का ये। ये स्कूल ड्रेस की शॉप थी जहाँ से नायशा के स्कूल की ड्रेस मिलनी थी तो मंदिर के बाद हम यहाँ पर नायशा के स्कूल ड्रेस लेने आए थे। और ये देखिए काफ़ी सारे लोग दिख गए थे यहाँ पे तो अच्छा लग रहा था। बहुत दिन बाद बच्चे वेल ड्रेस्ड होके स्कूल जा रहे थे तो यहाँ से मैंने नायशा की ड्रेस ले ली थी। फिर अच्छा लगता है।
दर्शन करने के बाद, नाशा की ड्रेस लेने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, इसकी वजह से हल्की हल्की भूख लगने लगी थी, तो ये हम बर्गर किंग आ गए थे, थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया, फिर वहाँ पर A few moments later. It's 12:30. तो काफ़ी रात हो गई है और नाशा भी सो गई है. वीडियो एडिट कर रही थी अभी और वीडियो एडिट हो गया है मेरा. तो अब नाशा को सुबह जल्दी उठाना है, मुझे भी जल्दी से उठना है. तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं. सॉरी मेरे बाल थोड़े से अजीब से हो रहे हैं. आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं. अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए. बाय बाय, गुड नाइट.